और इसलिए सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं ना वो तो बहुत निकम्मे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और क्यों ना इस सरकारी नौकरी का वजन जो ये बर्डन है वो देश पर बहुत ज़्यादा है, तो इनको जो पेंशन मिलती है, इनको इंक्रीमेंट मिलते हैं, इनको TADA मिलते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन अगर किया गया तो वो ग्रुप डी का किया गया, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी थे, खल्लासी थे, PUN थे, ड्राइडर थे, चपरासी थे, यहाँ पर सरकारी नौकरी में नहीं है। उसकी वजह उस वक्त जो विनिवेश मंत्रालय RSS ने BJP की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनी, ये हमारे ऊपर एक आर्थिक कुठाराघात किया गया। केवल 2000 करोड़ रुपए हमने स्वच्छ भारत मिशन की एडवर्टाइजिंग में लगा दिया, जहां दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग बिगड़ तनख्वाह के बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो NDTV पर बैठकर स्वच्छ भारत मिशन में हमें बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसे स्वच्छ भारत मिशन चलेगा। आरक्षण की जब बात बाबा साहब के जहन में आई होगी तो उन्होंने देखा कि कौन सा समाज पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, डिप्राइव्ड है, और उस वक्त उन्होंने इसको 10 साल की सीमा समय सीमा तय कर कहा कि उनको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और उसी लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रावधान रखा। लेकिन बड़े शर्म का विषय है और बहुत ही दुख का विषय है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी मैं समझता हूँ उस आरक्षण का जो प्रतिफल मिलना था या उस आरक्षण का जो लाभ मिलना था वो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट में भी मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उस कम्युनिटी तक ये संविधान टच नहीं कर पाया और उसको इसका जो लाभ था मैं समझता हूँ नहीं मिल पाया, और मुख्य धारा में जुड़ने का काम, अगर कुछ कहा जाए कि अंधों में काना राजा, 10-20% लोगों को नौकरियाँ मिल गई हैं, कुछ लोग एक आध जज बन गए हैं, एक आध लोग नेता बन गए या कोई साइंटिस्ट या कुछ प्रोफेसर बनने से, मैं समझता हूँ समाज का कायाकल्प नहीं हुआ है। समाज में आज भी 70-80% लोगों की दशा और दिशा बहुत ही दयनीय है, बहुत ही मुश्किलात से वो अपना जीवन जी रहे हैं। और जैसे मुझसे पहले सारवान साहब अपनी बात रख रहे थे गुड़गांव से कि पहले 94 से पहले कम से कम एक हमें म्यूनसिपैलिटी की नौकरी ऐसी थी जिसको हम मोटे मोटे शब्दों में कमेटी में नौकरी कर रहे हैं, MCD में नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी की बदौलत जितने लोगों को आज यहाँ नौकरी, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर बैठे हैं, लगभग 95% लोगों के माता या पिता कहीं ना कहीं कमेटियों, म्यूनसिपैलिटियों में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे और उसी तनख्वाह से उन्होंने अपने घर भी बनाए, नौकरियां भी करी और बच्चों को पढ़ाया भी। लेकिन जैसे ही जब, जैसे कनक जी भी सुबह कह रही थी लता जी कि जब जैसे ही RSS की मानसिकता ने काम करना शुरू किया और मनुवादी व्यवस्था ने काम करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि अब इन्हें कम से कम ये एक नौकरी मिल रही है जो कि मैं समझता हूँ अनह्यूमन प्रैक्टिस थी, उसमें भी हमारी दशा और दिशा बहुत खराब थी, उसमें भी हमें 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा था और ऐसा काम करना पड़ रहा था, सर पे मैला ढोने का काम हो, मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम हो, सीवर में गिर के करने का काम हो, उसके लिए तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो एक परमानेंट जॉब थी, तो उससे हमें लगता था कि हमारी आर्थिक दिशा ऊपर थोड़ी थोड़ी जानी शुरू हो रही थी। तभी उस विचारधारा ने कुठाराघात किया और इन म्यूनसिपैलिटी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की एक उन्होंने अपनी विचारधारा का एक नया पैमाना निकाला और उन्होंने एक मिनिस्ट्री बना दी। उस मिनिस्ट्री का नाम ब्रह्म से आपको तो पता होगा बहुत साहब, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उन्होंने बना दिया डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, विनिवेश मंत्रालय। और उस विनिवेश मंत्रालय का काम क्या था, उसमें एक बहुत ही उन्होंने अपने शातिर व्यक्ति अरुण शौरी को रख दिया, और अरुण शौरी का काम क्या था कि जितने संगठन और संस्थान हैं सरकारी उनको ये दिखाया जाए कि वो घाटे में हैं, और इसलिए सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं ना वो तो बहुत निकम्मे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, और क्यों ना इस सरकारी नौकरी का वजन जो ये बर्डन है वो देश पर बहुत ज़्यादा है, तो इनको जो पेंशन मिलती है, इनको इंक्रीमेंट मिलते हैं, इनको TADA मिलते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। और प्राइवेटाइजेशन ऊपर से नहीं, मतलब फर्स्ट रैंक का नहीं, सेकंड रैंक का नहीं, ए कैटेगरी की नहीं, बी कैटेगरी नहीं, सी नहीं, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन अगर किया गया तो वो ग्रुप डी का किया गया, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी थे, खल्लासी थे, PUN थे, ड्राइडर थे, चपरासी थे, माली थे, मतलब ग्रुप डी में जो छोटे काम करने वाले थे, यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो वो दलित शोषित समाज के लोग थे जिनको सरकारी नौकरी के माध्यम से कुछ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होनी शुरू हुई, उनके ऊपर उन्होंने ऐसा लोहे का एक हथौड़ा मारा कि उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो पूरी तरह से चकनाचूर होने लगी।
और आज ये स्थिति है कि जो लोग पढ़ भी रहे हैं और जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके साथ भी यही हो गया है कि आज उन्हें सरकारी नौकरी में समझता हूँ कि मिलना नामुमकिन के बराबर हो गया है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और मुश्किलात हैं। मैं आज जिस जगह आप यहाँ बैठे हैं नारायणा गाँव में, अब से अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं तो लगभग सभी घरों में हमारे यहाँ, चाहे वो जुल्हा समाज के लोग हों, जाटव समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, धोबी समाज के लोग हों, हर घर में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी पर था, चाहे वो ग्रुप डी में था, ग्रुप सी में था, ग्रुप बी में था, ग्रुप ए में था, लेकिन वो था। और अगर आज मैं 20 साल बाद बात करूं तो इन्हीं समाज के जो घर हैं यहाँ पर, लगभग 300-400 घर इसी गाँव में होंगे। ये कि मॉडल के रूप में अगर उठाकर उदाहरण देखें तो आज मैं समझता हूँ 5% लोग भी यहाँ पर सरकारी नौकरी में नहीं है। उसकी वजह उस वक्त जो विनिवेश मंत्रालय आरएसएस ने बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनी, ये हमारे ऊपर एक आर्थिक कुठाराघात किया गया, और इसका ही ये सबसे बड़ा कारण था कि हमारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। और सबसे ज़्यादा शोषण जो आज हो रहा है वो देख लीजिए आप, 200 रुपये में। मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस सफाई कर्मचारियों का नहीं था, ना मैं कोई यूनियन में था, मैं तो एक एक्टिविस्ट था, लेकिन जब मैं आयोग का चेयरमैन बना बहुत साफ राजेश भाई, तो मैं दिवाली से 3 दिन पहले, आपको शायद ध्यान हो, पीरागढ़ी पर 4 जवान लड़के 22 साल के 20 साल के सीवर में डिप कर मर गए थे, हरियाणा बॉर्डर पर, नहरा नहरी गांव के लड़के थे, एक ही परिवार के अगल बगल के। जब मैं उनके घर गया और पता किया, इन्वेस्टिगेशन की हमने, तो पता लगा केवल मात्र 200 रुपये के लिए वो लोग अपने बच्चों को मिठाई लेनी थी, कपड़े लेने थे, उन्होंने वो सीवर खोलने का काम कर दिया, और उसमें वो एक के बाद एक जाकर काल के गाल पे फंस गए। तो आज आप समझ लीजिए कि समाज की इतनी बुरी दशा है कि 500-700 रुपये में सफाई, सीवर की सफाई करने के नाम पर हम गैस के चैम्बर में घुस जाते हैं जो मिथेन का है, और ये निरंतर कहीं दूर नहीं हो रहा, ये दिल्ली देश की राजधानी में हो रहा है, या हरियाणा जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव है, जैसा कि अभी सारवान साहब बता रहे थे कि 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, उनका शोषण भी कर रहे हैं, उनको धमका भी रहे हैं, और हमारा व्यक्ति जो है उनके हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है कि हमें रख ही लीजिए वापस, अब हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलात मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास हैं। मैं कोरोना काल का एक उदाहरण और आपको बता दूं कि किस तरीके से सरकारों का कुठाराघात हमारे ऊपर हो रहा है, और किस तरीके से कोर्ट्स, जो हमें बहुत उम्मीद है कि कोर्ट पता नहीं इस देश की क्या करने वाली है, या ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करने वाला है। कोरोना काल में सबसे पहला अगर कोई वॉरियर था जो सबसे पहले कोरोना से लड़ रहा था, वो केवल और केवल सफाई वर्कर था, जो बाहर आपका स्पूटम उठा रहा था, आपका गंदा मास्क उठा रहा था, आपकी पीपीई किट उठा रहा था, या आपका कूड़ा उठा रहा था। और जब उस व्यक्ति के लिए हमने सरकार से डिमांड की कि इनको कम से कम पीपीई किट दे दिए जाए, गम्स बूट दे दिए जाए, ग्लव्स दे दिए जाए, मास्क दे दिया जाए, सैनिटाइजर दे दिया जाए, तो सरकार के जो, भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो अटॉर्नी जनरल हैं वो मेहता साहब हैं, मोदी जी के बहुत करीब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन सुनवाई होती थी तो हम लैपटॉप पे सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस के यहाँ, तो उस वक्त वो उनको झूठ बोल रहे हैं एफिडेविट दे के कोर्ट में कि हमने 10 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर सब इन लोगों को फ्री दे दिया है। मैंने वहाँ पर बहुत साफ सिर्फ एक ही बात रखी, आप तो सरकार में रहे हैं सभी लोग, सरकार में 1 लाख रुपये से ऊपर की कोई चीज़ खरीदें तो उसका ई टेंडर होता है, और वो माननीय महाशय से जब हमने पूछा मेहता साहब से कि उसका कोई टेंडर की कॉपी है आपके पास, तो टेंडर की कॉपी नहीं है। उस पर उस वक्त हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराया। मेरे कहने का मायने ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सरकारें, भारत सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, उन सबका रवैया लगभग हमारे एक समाज के लिए एक जैसा ही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम वाली बात हो, चाहे वो मैनुअल स्क्विंजर्स की बात हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन ग्राउंड पे इनको जॉब्स की बात हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन दिलाने की बात हो। और तो और अभी एक लड़ाई मैंने लड़ी 2014 में कि बार बार जब मैंने कानून बनाया 2013 में जब मैं आयोग का चेयरमैन था कि देश में मैनुअल स्क्विंजिंग और सीवर क्लीनिंग मशीन से होनी चाहिए, हाथों से नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कानून बना, उसको इम्प्लीमेंट कराया, तो उसके बाद हमने कहा कि क्यों ना इनको डाइवर्ट किया जाए, हमारा व्यक्ति क्यों बार बार सीवर खोले, क्यों सफाई करे, उसको कोई डिग्निटी का काम दिया जाता है जो जिससे वो आत्मसम्मान या आत्मस्वाभिमान से काम करें। उसमें हमने जलबोर्ड को हैदराबाद जाकर एक सर मशीन देखी कि हम दिल्ली में जो मशीन्स हैं
इससे गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में सीवर की सफाई कराएंगे। और जो मशीन बना रही थी कंपनी, उसको हमने कहा कि ये मशीन केवल उन्हीं लोगों को दी जाए जिन लोगों के घरों में डेथ हुई है सीवर में गिरने से, या जो लोग इस पेशे में इंडल्ज हैं उनको दी जाए। अब इस बीच में कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे अपने लोग भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं, तो एक संस्था आ गई, मुझे कहने में कोई परहेज गुरेज नहीं, डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसने उसके नेताओं ने पद्मश्री अवार्ड भी लिए हुए हैं उन्होंने इसी दलित चैम्बर्स के नाम से। वो एक नई स्कीम लिया है कि ठीक है जी, हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरे बिहाफ पे वो केस चल रहा था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो मैं पार्टी था, तो कोर्ट ने मुझसे पूछा कि ये संस्था जो है ये चाहती है कि इन तमाम लोगों को ये मशीनें देने में ये मदद कर दें। तो हमें लगा अगर कोई वॉलंटरली आ रहा है सर्विस करने तो दे दीजिए। हमने उन लोगों को बीच में डाल दिया। उन लोगों ने बड़ी साजिश के तहत, आप समझिए दिल्ली में 203 मशीनें लगी और 203 लोगों का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होना था, एक मशीन से लगभग एक व्यक्ति को 2 से 2.5 लाख रुपए महीने मिलने थे, और उन्होंने बड़ी चालाकी से डिक्की ने उसमें 150 लोग ऐसे घुसा दिए जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से तो थे, लेकिन कभी भी उन लोगों ने सफाई के पेशे में, सीवर क्लीनिंग में कभी काम नहीं किया था, और आज भी वो 150 लोग लाखों रुपए, 4 लाख रुपए लगभग महीने कमा रहे हैं। और हमारे लोग जिनके लिए हम मशीनें लाए थे या जिनका रिहैबिलिटेशन करना था हमें, ताकि वो इस पेशे से हटें और एक आत्म स्वाभिमान की जिंदगी जो डिग्निटी ऑफ लेबर से रहें, तो वो उन लोगों के साथ भी अत्याचार और अनाचार हुआ। उसके खिलाफ भी हम लोग खैर कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई। हम लोगों की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चाहे जितनी हमने इन्होंने कही, मैं भी अभी बताना चाहूं तो 1 घंटा बोल सकता हूं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन इसका समाधान क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। समाज के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? एक समाधान तो सर मैंने निकाला इस सब का, जो मेरी जितनी समझ थी या अकल थी। मैंने अभी हाईकोर्ट में केस डाला, पहले मैंने RTI की। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि 2005 में RTI आई है। आप सब लोग खूब RTI डाला करो। RTI डालने से आपको, आपके दिमाग का सारा मेंटल ब्लॉक जो है ना वो खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप खूब RTI डालिए, 10 रुपये की लगती है और कहीं जाना नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन भी RTI डाल सकते हैं, जहाँ भी आपको शंका हो RTI डालिए, जहाँ भी आपको शंका हो RTI डालिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैंने लगभग 5-7 हज़ार RTI डाली हुई हैं। मतलब पोस्टमैन जो है वो मुझे, अगर मेरे यहाँ पे कोई नाम लिख दे हरनाम सिंह, तो वैसे ही लेटर आ जाता है, क्योंकि इतने लेटर मेरे आते हैं रेगुलर। उसी से मुझे समझ में आया कि देश में 2 बड़े घोटाले हो रहे हैं जो दलितों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। पहला तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया कि 2 अक्टूबर को वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर पचकुइयाँ पर बैठ गए जाकर, और झाड़ू ले ली और फोटोशॉप किया कि मैं बड़ा सफाई कर्मचारियों का चिंतक हूँ, हित वाला हूँ, और फिर वो वाराणसी में सफाई कर्मियों बहनों के उनके पैर धो रहे थे, और स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने वहाँ से लॉन्च किया। उस स्वच्छ भारत मिशन में जब मैंने RTI लगाई, तो आपको शॉकिंग लगेगा, केवल जब से वो स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ है, बड़े बड़े TV में ऐड आती होगी, आप देखते हो बसों पे लगा होता है, एडवर्टाइजिंग चलती है सरकार की हर जगह स्वच्छ भारत मिशन, और 2 अक्टूबर को तो जोर शोरों से हमारी वाल्मीकि बस्तियों में मनाया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। 2000 करोड़ रुपया केवल उसमें मोदी जी ने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए लगा दिया। ये मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, ये RTI में मुझे मिला। केवल 2000 करोड़ रुपए हमने स्वच्छ भारत मिशन की एडवर्टाइजिंग में लगा दिया, जहां दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग बिगड़ तनख्वाह के बैठे हैं, अपनी काम करने के बाद उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, या उनको कॉम्पनसेशन की जॉब जो मिलनी है वो नहीं मिल रही है, कॉम्पनसेशन का जो पैसा एक्सग्रेशिया वो नहीं मिल रहा है, या उन लोगों को पक्के हो गए तो उनके जो पैसे एरियर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या रिटायर हो गए पेंशन के बाद उनको जो पैसा मिलना है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत की सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नाम लगाकर 2000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है केवल अपना फोटो चमकाने में। और स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बीर सिंह बहुत नहीं है, राजेश कुमार भी नहीं है, ये कांगड़ा जी भी नहीं है, सारवान जी भी नहीं है, या जिन लोगों ने इसमें काम किया वो भी नहीं है, या जिन लोग, जो बहनें हमारी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के दुनिया भर के 2-2 किलोमीटर के रोड सफाई कर रही है वो भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो NDTV पर बैठकर स्वच्छ भारत मिशन में हमें बता रहे हैं
कि भाई साहब ऐसे स्वच्छ भारत मिशन चलेगा। जिन घरों से महिलाएं और पुरुष जाकर पूरी दिल्ली या देश को सफा कर रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है, योगदान अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का है। और अवार्ड किसको मिल रहा है? अवार्ड किसी विल्सन साहब को मिल रहा है। विल्सन साहब कौन है ये भी हमें नहीं पता कौन है। विल्सन साहब मैग्सेसे अवार्ड ले रहे हैं कि समाज में बड़ा बुरा स्थिति है और मैंने देख लिया। अरे जिस समाज जो काम कर रहा है, जिस समाज के बच्चे सीवर में गिर के मर गए हैं, जिस समाज की महिलाएं सुबह 4 बजे उठ के बस पकड़कर 25 किलोमीटर झाड़ू लगाने जा रही है, या जिस घर से व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी कच्चे करके जा रहा है, उसको सरकार नहीं समझ रही और सरकार ब्रांड एम्बेसडर बना रही है अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर को और अवार्ड दे रही है विल्सन को, तो आप समझ लीजिए इन सरकारों की कितनी ओछी और गंदी मानसिकता होगी। मैं किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, मैं तमाम सरकारी तंत्र के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ।